हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सही दलम ब्लॉग। आज का ब्लॉग है कुछ खास, क्योंकि दार्जिलिंग में हमने कुछ खास जगहों को एक्सप्लोर किया। वेट, भागना मत, सब कुछ है यहाँ पे। क्या है प्राइस और पहुँचे कैसे, तो लेट क्यों, चलिए हमारे साथ। हम दार्जिलिंग की तरफ निकल रहे हैं, सो सिट बैक रिलैक्स और चलिए शुरू करते हैं। तो प्लान तो कर लिए, लेकिन हाउ टू रीच दार्जिलिंग, पहुँचा जाए कैसे? तो दार्जिलिंग पहुँचने के लिए आपको प्लेन, ट्रेन या बस का ऑप्शन है। अगर आप हवा में उड़ना चाहते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट आपका डेस्टिनेशन है। वहाँ से शेयर्ड कैब या प्राइवेट टैक्सी लेकर 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। या फिर ट्रेन का शौक है तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आपका स्टेशन। ये स्टेशन कनेक्ट है दुनिया भर से, और एनजीपी से शेयर्ड कैब या प्राइवेट टैक्सी से आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। ये सफर भी लगभग 3 घंटे का ही है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग कैब से दार्जिलिंग जाएंगे, तो हम लोग निकल पड़े कैब से। रास्ते में जो पहाड़ों का नजारा था वो बस दिल ले गया। रास्ते में आया तीस्ता नदी, तो आप ये सिनेमैटिक व्यू एंजॉय करिए। मिलते हैं कुछ ही देर में। फिर हम लोग रास्ते से सुंदर नजारा देखते देखते पहुंच गए कर्सियन। और भाई क्या कर्सियन का व्यू था। कर्सियन में पहुंचते ही पहले हम लोग होटल में ब्रेकफास्ट किया। होटल नहीं, रोड साइड एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट किए। हमने तो धूप पकाए। उसके बाद हम लोग चले गए कर्सियन का जो व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट पे थोड़ा बहुत शूट कर लिया। उस व्यू पॉइंट का क्या नजारा था आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग रास्ते से जा रहे थे, फिर हम लोगों को कर्सियन का जो नजारा पड़ा रास्ते से, वो क्या ही बोले। ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो सामने था, लेकिन नीचे जो रोड का नजारा था वो भी कमाल था। जिग-जैग रोड, रोड से जब देख रहे थे तब हम लोगों को दिख रहा था जिग-जैग रोड। आप लोग देख पा रहे हैं। कर्सियन के बाद हम लोग सीधा दार्जिलिंग पहुंचे। आप लोग तब तक दार्जिलिंग का एक सिनेमैटिक ड्रोन शॉट एंजॉय करिए। दार्जिलिंग पहुंचते ही हम लोग पहले होटल में स्टे लिए, फिर फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद लंच किए, उसके बाद निकल गए मॉल रोड। हम लोग का होटल था मॉल रोड के बाजू में ही, टैक्सी स्टैंड के पास। हम होटल का नंबर और नाम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। होटल में हम लोग का 6 लोग एक रूम में थे, तो ओवरऑल रूम का प्राइस था 1200 रुपये पर नाइट। क्योंकि हम लोग ऑफ पीक टाइम में गए थे तो वहाँ पे भाड़ा कम था, लेकिन अगर आप सीजन में जाते हैं तो वही रूम का भाड़ा पड़ेगा 4500 रुपये पर नाइट। दार्जिलिंग के मॉल रोड में घूमते घूमते हम देखे दार्जिलिंग का एक लोकल ग्रुप म्यूजिक परफॉर्मेंट कर रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। वो लोग डोनेशन मांग रहा था, तो आप भी देखिए, क्योंकि वो म्यूजिक, वो लोग एक्चुअली दार्जिलिंग के लोग कल्चरली बहुत अच्छे होते हैं, तो वो लोग म्यूजिक वगैरह में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो आप लोग थोड़ा देखिए, एंजॉय करिए। तू जहाँ जाए महफूज हूँ, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। उसके बाद हम लोग पहुंच गए ऑब्जर्वेटरी व्यू पॉइंट। फिर हमने ऑब्जर्वेटरी व्यू पॉइंट में देखे रूफटॉप कॉफी हाउस और बहुत सारी सुंदर नजारा। वहाँ पे देख रहे थे कि एक लड़की डांस कर रही थी, वो इन्फ्लुएंसर थी या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए वो डांस कर रही थी, लेकिन अच्छा डांस कर रही थी। फिर रात होते ही हम लोग फिर मॉल मार्केट आ गए। मॉल मार्केट थोड़ा घूमे, रात को मॉल मार्केट से हम लोग होटल चले गए, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह उठना था। क्योंकि हम लोगों को सुबह सुबह एकदम टाइगर हिल में जाना था, टाइगर हिल व्यू पॉइंट में जाना था, क्योंकि टाइगर हिल व्यू पॉइंट में जो सनसेट होता है और जो टाइगर हिल का जो नजारा होता है वो क्या ही कहना। सुबह होते ही हम लोग निकल पड़े टाइगर हिल के लिए, वहां पे जाके सनराइज देख रहे थे। तो भाई जब सन आसमान में उग रहा था वो एकदम लाल कलर का था, और उसका किरणें जब एकदम
कंचनजंगा को छू रहा था तो कंचनजंगा भी एकदम लाल जैसा हो रहा था। कुछ देर बाद वो गोल्डन हो गया। तो चलिए ये सीन आप एंजॉय करिए। वहाँ पे बहुत सारा लोग आया हुआ था सब टाइगर हिल को देखने, और वहाँ पे सुबह सुबह लोकल लोग चाय कॉफी मैगी सब बेच रहा था। अच्छा ही था सब कुछ। टाइगर हिल घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए पतासिया लोग। पतासिया लोग में आपको बहुत सारा फ्लावर मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारा दूरबीन मिलेगा, लेकिन और एक चीज़ है पतासिया लूप, वो लूप रेलवे ट्रैक। उसमें जब टॉय ट्रेन गुजरता है तो वाह क्या ही नज़ारा होता है। तो यही है पतासिया लूप का बेहतरीन नज़ारा। उसके बाद हम लोग पहुंच गए जैपनीज पीस पगोडा। जैपनीज पीस पगोडा अच्छा ही है, आप लोग देखिए सिनेमैटिक व्यू। हम लोग उसके बाद चलेंगे रॉक गार्डन। जैपनीज पीस पगोडा के बाद का स्टॉप था रॉक गार्डन, एक अलग ही जगह। और उधर रॉक गार्डन में जब जा रहे थे तो रास्ते से रॉक गार्डन का जो सीन था वो बहुत ही बढ़िया था। सबसे बढ़िया था जो वो चाय बागान बहुत था, टी गार्डन वगैरह। तो वो रास्ता है रॉक गार्डन का, वो बहुत ही रोमांचकर और एडवेंचर से भरा हुआ है। एक छोटा सा रास्ता जहाँ से एक गाड़ी अगर खड़ा है तो दूसरे गाड़ी का पास होना लगभग बहुत मुश्किल है। तो आप देख ही पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे, और देखिए ये रास्ता भी कितना छोटा है। फिर हम लोग पहुंच गए रॉक गार्डन। ये आप रॉक गार्डन का व्यू एंजॉय करिए। पहले आप एंजॉय करिए रॉक गार्डन का एडवेंचर वाला रोड।
रॉक गार्डन से आने के बाद हम लोग फिर से मॉल मार्केट गए, घूमे शाम में, फिर मॉल मार्केट से होटल गए क्योंकि अगले दिन हमको और भी जगह जाना था। सुबह सुबह उठ के हम लोग फिर से एक बार ऑब्जर्वेटरी व्यू पॉइंट गए। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो ब्रेकफास्ट तो करना ही है, क्यों ना दार्जिलिंग का फेमस ब्रेकफास्ट किया जाए केवेंटर्स में। केवेंटर्स यहाँ पे बर्फी मूवी शूटिंग हुआ था, और भी बहुत सारा मूवी शूटिंग हुआ है, बंगाली मूवी तो बहुत सारा शूटिंग हुआ है केवेंटर्स में। केवेंटर्स का सबसे फेमस है चिकन प्लेटर और पोर्क प्लेटर का प्लेट, हम लोग चिकन प्लेटर प्लेट खाए थे। फिर हम लोग जाने वाले थे लेपचा जगत, लेकिन उससे पहले हम लोग गए थे घूम स्टेशन, जो दार्जिलिंग का स्टेशन है, घूम स्टेशन और दार्जिलिंग स्टेशन। वहां पे एक सिनेमैटिक शॉट भी है, आप लोग वो तब तक एंजॉय करिए, उसके बाद आपको लेके चलते हैं लेपचा जगत। तो चलते हैं लेप्चा जगत। लेप्चा जगत एक छोटा सा गांव सराउंडेड बाय द डेंस फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है वो सब पाइन फॉरेस्ट है। यहाँ मालूम है इतना शांत था कि बस दिल को सुकून मिल गया। एकदम सारा बादल ऐसे ही लग रहा था कि रास्तों में आ रहा था, और लग रहा था हम लोग बादलों में ही है, और हम लोगों को डर भी लग रहा था, हम लोग बहुत ऊँचे चले गए थे। ऐसे फील हो रहा था जैसे कि राज मूवी का एक गाना है, आप लोग देखे होंगे, उस गाने में जैसे कि भूतिया सीन है, तो हम लोगों को तो ऐसे ही भूतिया सीन वाला फील हो रहा था। ठंड भी बहुत लग रहा था लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। मुझे तो दार्जिलिंग का सबसे बेहतरीन यही प्लेस लगा लेपचा जगत। और भी शायद मेरे से सब बहुत लोग डिसएग्री करेगा, लेकिन मुझे तो लेपचा जगत बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे आके मैं एकदम पूरा शांत हो गया। लेपचा जगत से निकलने के बाद हम लोग जा रहे थे गोपालधारा टी गार्डन। तो गोपालधारा टी गार्डन जाते हुए यह है नजारा।
फिर हम गोपालधारा टीकरण देखे, वो एंडलेस रो ऑफ टी प्लांट्स, वो फ्रेश हवा और अरोमा ऑफ टी लीव्स, यहाँ का कुछ अलग ही मैजिक है। चाय लवर्स के लिए ये एक मस्ट विजिटेड स्पॉट है। गोपालधारा टीकरण में हम लोग को पहले एंट्री नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो चाय पत्ती को जो तोड़ने का टाइम था, लेकिन टूरिस्ट जाते ना वो चाय पत्ती को बर्बाद करता है, तो हम लोग को जाने नहीं मिले। फिर हम लोग कह के कुछ लोकल को रिक्वेस्ट किया, तो हम लोग पास कैमरा था तो वो लोग जाने दिया। लोकल भी हमारे साथ गए, वो लोग ही घुमाए गोपालधारा टी गार्डन। फिर क्या हमारा कि बारिश आ गई, तो वहाँ से हम लोग आ गए एक टी शॉप में जो कि गोपालधारा टी शॉप है। वहाँ पे हमने एक चाय पिया, वो तो बहुत ही कमाल था। वो चाय 2000 रुपया किलो है। फिर हम लोग वहीं पे लंच किए, क्योंकि दोपहर हो गया था और हम लोगों को बारिश में वहाँ पे बारिश आ गया, तो हम लोग वहाँ पे अटक के वही गोपालधारा टी शॉप में, तो वहीं पे हम लोग लंच कर लिए, क्योंकि वहाँ पे लंच का सिस्टम भी है। बारिश थोड़ा ही कम होते ही हम लोग निकल पड़े मिरिक के लिए, क्योंकि हम लोग को मिरिक भी कवर करना था। और फिर आखिरी स्टॉप मिरिक, एक छोटा सा टाउन सराउंडेड बाय टी गार्डन। मेन अट्रैक्शन मिरिक का है जो कि है सुमेधु लेक। मिरिक में भी टी फॉरेस्ट है, मिरिक में भी पाइन फॉरेस्ट है, पूरे दार्जिलिंग में ही पाइन फॉरेस्ट है। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।